नमस्कार दोस्तों, इम्प्लॉय खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। मार्च का महीना यहां खत्म होने जा रहा है और 1 अप्रैल से यहां पर एक नया वित्त वर्ष भी चालू हो रहा है और साथ ही एक नया महीना भी यहां पर चालू हो रहा है। इसको लेकर कई सारे छोटे बड़े बदलाव, कई छोटे बड़े नियम आप 1 तारीख से देखने को मिल सकते हैं। इसमें से कई ऐसे नियम है जो आम आदमी, कर्मचारी और पेंशनर्स को यहाँ पर प्रभावित करते हैं, जिनकी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर देना जरूर चाहूंगा। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं दवाओं पर होगा ज्यादा खर्च। 1 अप्रैल 2022 से नए वित्तीय वर्ष में आम आदमी को एक और जोरदार झटका लग सकता है, क्योंकि अप्रैल में इलाज करना भी यहां पर महंगा हो जाएगा। 1 अप्रैल से दवाओं के दाम बढ़ने जा रहे हैं। पेनकिलर, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल जैसी दवाओं की कीमतों में 10% की यहां पर बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक 800 जरूरी ऐसी दवाएं हैं जिन पर यहां पर इजाफा हो सकता है, जिनकी कीमतों में वृद्धि हो सकती है। यदि आपका पीएफ अकाउंट है तो पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए भी 1 अप्रैल 2022 से एक नया नियम यहां पर लागू होने जा रहा है। 1 अप्रैल 2022 से पीएफ खाते के अकाउंट होल्डर्स को पीएफ अकाउंट में जमा पैसे पर यहां पर टैक्स लगने जा रहा है। अभी तक यहां पर पीएफ खाते में यदि आपके पैसे जमा है तो वो टोटली टैक्स फ्री होते थे, लेकिन अब आपके खाते में आपके अकाउंट से काटे गए पैसे जो कि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा यहाँ पर होते हैं, तो उस पर जो ब्याज मिलेगा उस पर आपको यहाँ पर जो है टैक्स देना होगा और ये नियम 1 अप्रैल 2022 से यहाँ पर लागू होने जा रहा है। यदि आपने क्रिप्टो करेंसी के तहत यहाँ पर पैसे कमाए हैं या क्रिप्टो करेंसी जैसी किसी करेंसी से यहाँ पर पैसे कमाए हैं तो इस पर भी एक नया नियम आने जा रहा है। 1 अप्रैल 2022 से क्रिप्टो करेंसी से कमाई गई पैसों पर यहाँ पर टैक्स लगने जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, बजट 2022-23 में ही इसकी घोषणा यहाँ पर कर दी गई थी। पोस्ट ऑफिस की स्कीमों के तहत भी यहां पर एक नियम बदलने जा रहा है। 1 अप्रैल 2022 से पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना से जो मंथली इनकम होती है वो आपको यहां पर कैश के तौर पर नहीं मिलेगा, अब सेविंग अकाउंट में सीधे इसे जो है ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए पोस्ट ऑफिस बचत खाते को सेविंग अकाउंट से लिंक किया जाएगा। इसके अलावा जो गैस के सिलेंडर है इनके भी दाम यहां पर और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हर महीने की 1 तारीख को रसोई गैस के दाम बदलते हैं और ऐसे में महंगाई को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि 1 अप्रैल 2022 से गैस सिलेंडरों के दाम यहां पर और बढ़ सकते हैं। एक्सिस बैंक में यदि आपका खाता है तो 1 अप्रैल 2022 से एक्सिस बैंक की सैलरी व सेविंग अकाउंट के नियम में बदलाव हो रहे हैं। अभी तक यहां पर मिनिमम बैलेंस एक्सिस बैंक में रखना 10,000 रुपये जरूरी था, जिसे अब बढ़ाकर 12,000 रुपये यहां पर कर दिया गया है। ई चालान को लेकर भी यहां पर एक नियम बदलने जा रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने GST के तहत ई चालान जारी करने के लिए टर्नओवर की सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 20 करोड़ रुपए कर दी है और इसके लिए ई चालान कटवाना यहां पर अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा यदि आप शेयर मार्केट में यहां पर इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में यहां पर इन्वेस्ट करते हैं, तो 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड में निवेश से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहे हैं। 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड में चेक, बैंक ड्राफ्ट या किसी भौतिक माध्यम से यानी कि ऑफलाइन भुगतान यहां पर नहीं होगा। म्यूचुअल फंड में भुगतान सिर्फ UPI या नेट बैंकिंग के थ्रू ही यहां पर जो है किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे नियम थे जो यहां 1 अप्रैल 2022 से बदलने जा रहे हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी पर यहां पर प्रभाव करेगा और इन्हें जानना आपके लिए यहां पर जरूरी था। आई होप ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।